अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही रसीली कुरकुरी जलेबी और उसके साथ खाने वाली रबड़ी की, और ये आसानी से घर में बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे, तो कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने से दूध कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। अब डालेंगे 1 लीटर दूध। दूध में पहले एक उबाल आने देंगे, फिर गैस का आँच मीडियम कर देंगे और बीच बीच में चलाते हुए दूध को आधा सूखने तक पका लेंगे। अब आप देख सकते हैं दूध आधा से ज़्यादा सूख गया है। अब हम इसे और भी जल्दी गाढ़ा करने के लिए इसमें डालेंगे काजू और बादाम पीसकर। काजू और बादाम का पाउडर डालने से रबड़ी गाढ़ा होने के साथ साथ टेस्टी और हेल्दी भी होगा। अब डालेंगे 2 चम्मच के करीब चीनी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालकर मिक्स करने के बाद थोड़ी देर चलाते हुए पकाएंगे। अब ये रबड़ी बन गई है, हम इसे गैस से नीचे उतार देंगे। जब रबड़ी ठंडी होगी तो ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगी। अब हम जलेबी के लिए चाशनी बनाएंगे। कढ़ाई में डालेंगे 1.5 कप पानी और ये 2 कप चीनी। अच्छी फ्लेवर के लिए डालेंगे 10 से 15 धागे केसर के और ये 1/2 चम्मच इलायची पाउडर। अब हम चाशनी को चीनी के घुलने तक पका लेंगे। चीनी घुलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर डालने से जलेबी हमारी बिल्कुल बाजार के जैसी दिखेगी। अब ये चाशनी बन गई है, हमें चाशनी को बस हल्का चिपचिपा रखना है। अब हम चाशनी को भी गैस से नीचे उतारकर साइड में रख देंगे। अब जलेबी के लिए बॉल में डालेंगे 1 कप मैदा, 1 चम्मच देसी घी और 1 पैकेट इनो। इनो डालने से जलेबी बहुत ही जल्दी झटपट बनकर तैयार होती है। अब सभी चीज़ों को हाथ से ही बढ़िया से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करेंगे। अब आप देख सकते हैं ये घोल किस तरह से बना है। घोल को गाढ़ा ही रखना है, तभी जलेबी अच्छी बनेगी। जलेबी बनाने के लिए हम दूध का बैग लेंगे और इसे यहाँ से कट कर देंगे और जलेबी का घोल भर देंगे। जलेबी का घोल भरने के बाद मैंने ऊपर में रबर बैंड लगा दिया है। अब हम सामने के तरफ से थोड़ा सा कट लगाएंगे और जलेबी बनाएंगे। तेल गर्म है, अब हम तेल में गोल गोल घुमाते हुए जलेबी बनाएंगे। मैंने अभी 4 जलेबी बनाई है। अब हम दोनों तरफ से उलट पलट करते हुए जलेबी को बढ़िया से कुरकुरा होने तक पका लेंगे। अब ये जलेबी बढ़िया से फ्राई हो गया है, हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे और चाशनी में डाल देंगे। अगर चाशनी ठंडी हो गई हो तो हल्का गर्म कर लेना है। अब हम इसी तरह से और भी जलेबी बना लेंगे और चाशनी में डाल देंगे। अब जलेबी में चाशनी अंदर तक चली गई है, इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब रबड़ी को भी बॉल में निकाल लेंगे और रबड़ी के ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम। अब ये रबड़ी और रसीली कुरकुरी जलेबी खाने के लिए तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।